शायद ये मानव जाति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। हजारों वर्ष पूर्व मानव की आवश्यकता ने इस क्रांति को जन्म दिया। मानव पूर्ण रूप से इस चमत्कार पर निर्भर है जो इसके पैरों के लिए विकल्प है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्रता से ले जाने का साधन है। पहिए के बिना जरा संसार के अस्तित्व की कल्पना करें, गति उन्नति तथा विकास अपने आप धीमा हो जाएगा। जब से पहिए का आविष्कार हुआ तब से संसार का प्रत्येक क्षेत्र उन्नति की ओर बढ़ रहा है। कृषि उपकरणों के आधुनिकीकरण को धन्यवाद। पहिए ने केवल किसानों के बोझ को कम ही नहीं किया बल्कि देश की हरित क्रांति के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार आज मानव पहिए पर चलने फिरने के लिए ही नहीं बल्कि अधिक खाद्यान्न पैदा करने के लिए भी निर्भर है। टिलर्स, ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरणों के आगमन से अधिक और उच्च किस्म का खाद्यान्न उत्पन्न करने का स्वप्न साकार हुआ। VST टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड इस क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है जो 4 दशकों से किसानों का यह स्वप्न पूरा कर रही है। प्रतिवर्ष 700 करोड़ रुपए का व्यापार करने वाला एक बहुत चर्चित दक्षिण भारतीय बिजनेस हाउस VST ग्रुप द्वारा सन 1967 में VST टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड का बेंगलोर में निर्माण हुआ। जापान के मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज तथा मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के इंजीनियरिंग तकनीकी सहयोग द्वारा VST टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने सन 1970 से पावर टिलर्स तथा डीजल इंजन का उत्पादन प्रारंभ किया। मित्सुबिशी समझौते के आधार पर सन 1984 से VST टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने 18.5 हॉर्स पावर वाला 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बनाया जो हमारे देश का प्रथम विशेष प्रकार का ट्रैक्टर है। मित्सुबिशी समूह उद्यम के साथ लंबे समय तथा करीबी सहयोग ने VST टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड को जापानी तकनीकी तथा कार्य परंपरा को अपनाने के योग्य बना दिया है। टिलर्स ट्रैक्टर्स उत्पादन के लिए आवश्यक पुर्जे VST के बेहतरीन उपकरणों द्वारा स्वयं ही तैयार किए जाते हैं। हर स्तर पर आधुनिक उत्पादन व जांच की सुविधा द्वारा कंपनी उच्च गुणवत्ता उत्पन्न को सुनिश्चित करती है। VST टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड अपने उत्पाद में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए तथा विश्वसनीयता, प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें तथा बिक्री के बाद कुशल सेवा में विश्वास करती है। उत्तमता को बनाए रखने के लिए VST ने विश्व स्तर की सख्त गुणवत्ता नीति को अपनाया है। RWTUV जर्मनी द्वारा ISO 9001:2000 प्रमाण पत्र से VST की गुणवत्ता प्रक्रिया प्रमाणित है। कंपनी की अति आधुनिक संशोधन और अभिवृद्धि प्रयोगशाला मशीन पुर्जों की गुणवत्ता को उत्कृष्ट तकनीकी उत्पाद बनाने के उपाय विकसित करने में निरंतर जुटी हुई है। वातावरण के अनुकूल होना आज समय की मांग है। इस तथ्य से जागरूक VST टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने अपने वर्कशेड के चारों ओर हरियाली व बड़ी तादाद में पानी से भरे कुंड व्यवस्थित किए हैं ताकि वातावरण को साफ सुथरा रखा जा सके। साथ ही बेकार पदार्थों की निकासी के लिए भी प्राथमिकता दी जाती है। ये सभी पहलू कर्मचारियों हेतु अनुकूल वातावरण एवं कार्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं VST भारत में पावर टिलर्स उत्पादन का लगभग 50% हिस्से पर अधिकार रखता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि किस प्रकार VST शक्ति 130 DI पावर टिलर अनेक गतिविधियों द्वारा विश्व भर के करोड़ों लोगों के लिए खाद्य उत्पादन करने में किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आज का
का समय पशुओं से खेत की जुताई करने की पुरानी विधि आर्थिक स्थिति के प्रतिकूल बन रही है, क्योंकि ये विधि अब दिन ब दिन महंगी, असुविधाजनक तथा बोझ के रूप में सिद्ध हो रही है। दो फसलों की खेती की जुताई कार्य तथा बुआई के बीच समय में बहुत कमी आ गई है, इसलिए किसानों ने किफायती व खेत की जुताई के आसान उपक्रम अपनाने की आवश्यकता महसूस की है, और उसका सही विकल्प है VST शक्ति 130 DI पावर टिलर, जो कि कम खर्ची एवं खर्च वहन करने योग्य और सभी कृषि कार्यों को सरलता से करने के लिए अनुकूल है। छोटे छोटे किसान भी इसे अपनाकर अपनी खेती में आधुनिकता लाकर उत्पादन स्तर में लंबे समय तक बढ़ोतरी करने योग्य बन जाते हैं। VST शक्ति 130 DI पावर टिलर एक सरल यंत्र है, जो एक सिलेंडर डीजल इंजन और खेत की जुताई के लिए एक रोटरी से जुड़ा है। हैंडल को घुमाकर इंजन स्टार्ट किया जाता है। इसमें 6 फॉरवर्ड तथा 2 रिवर्स गियर हैं। विभिन्न खेती के दौरान निम्न स्तर का गियर तथा टिलर को सामान लाने ले जाने हेतु ट्रेलर उपयोग करते समय उच्च स्तर के गियर प्रयोग में लाए जाते हैं। रोटरी की भी 2 गति हैं। पावर टिलर की आगे बढ़ाने की गति 1.5 से 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक VST शक्ति 130 DI पावर टिलर ट्रैक्टर के सभी कार्यों को संपादित कर सकता है तथा और कई अन्य आश्चर्यजनक कार्य भी कर सकता है, जो अब आप देखेंगे। पावर टिलर रोटरी में मिट्टी की स्थिति अनुसार 18 मुड़ी हुई अथवा सीधे फल्ले जुड़े जाते हैं। कठोर मिट्टी के लिए सीधे फल्ले तथा जब मिट्टी को बिल्कुल बारीक चूर्ण बनाने की जरूरत हो तो मुड़े हुए फल्ले उपयोग में लाए जाते हैं। कटाई के बाद जड़ों, कटे खेत की नलवाई, तराई तथा उचित वायु प्रवाह हेतु मिट्टी को ढीला करने के लिए यह कार्य किया जाता है। जुताई की गहराई औसतन 120 से 150 मिलीमीटर तथा चौड़ाई 540 से 600 मिलीमीटर तक होती है। ईंधन की खपत बहुत कम, केवल 1.25 लीटर प्रति घंटा होती है। सामान्य कार्य स्थिति अनुसार एक दिन में 1 हेक्टेयर जमीन की जुताई की जा सकती है। धान की खेती में गीली मिट्टी की विधि महत्वपूर्ण होती है। उचित स्तर व अच्छी जुताई के लिए खेत में 80 से 100 मिलीमीटर तक पानी होना आवश्यक है। धान की रोपाई के लिए मिट्टी को दलदल बनाया जाता है। यह कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिए हमारे देश में VST शक्ति 130 DI पावर टिलर सर्वोच्च संसाधन है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए मिट्टी की स्थिति अनुसार 2 प्रकार के पहियों का प्रयोग किया जाता है। भारी और धंसने वाली मिट्टी की जुताई के दौरान ड्रम टाइप केज व्हील्स का प्रयोग किया जाता है। हल्की तथा गुदगुदा मिट्टी के लिए हवादार पहिए के स्थान पर लग्ड व्हील्स का उपयोग किया जाता है। जुताई की गहराई 120 से 150 मिलीमीटर तक होती है। एक दिन में लगभग 1 हेक्टेयर तक की जमीन की जुताई की जा सकती है। जब गीली मिट्टी बनाने का कार्य आता है तब VST शक्ति 130 DI पावर टिलर एक बड़े ट्रैक्टर से भी अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। VST शक्ति 130 DI पावर टिलर में खेत की स्थिति अनुसार हिच ब्रैकेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपकरणों को भी जोड़ सकते हैं। मोल्ड बोर्ड प्लाव एक विशेष प्रकार का हल है, जो बंजर तथा बिना जुताई की गई भूमि या गहरी जुताई की आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ठूठ, गहरी जड़ वाले बाधक पौधे, झाड़ी और पौधों के खेत में पर्याप्त नमी होने की स्थिति में कुशलता से उखाड़ा जा सकता है। जुताई की अधिकतम गहराई 200 से 250 मिलीमीटर तक तथा एक दिन में 3/4 हेक्टेयर भूमि की जुताई की जा सकती है। पांच फल्ले वाला कल्टीवेटर एक अन्य उपकरण है, जो कटाई के तुरंत बाद घास तथा नलवाई आदि को हटाने तथा मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग किया जाता है। जुताई की गहराई
120 से 150 मिलीमीटर तक और लगभग एक से डेढ़ हेक्टेयर खेत की जुताई एक दिन में की जा सकती है। खेत में उचित नमी कार्य की कुशलता को बढ़ा सकेगी। ये उपकरण इंटरकल्टिवेशन यानी कतार व क्यारी वाली फसल के बीच में भी जुताई कर सकता है। रिजर या फरवर उपकरण रोटरी के साथ नालियां बनाने हेतु जोड़ा जा सकता है। नालियों को खेत में पानी सुगमता से भीतर जाने देने के लिए तथा रिज को क्यारी वाली फसलें जैसे आलू, मिर्ची, तंबाकू, केला तथा अन्य सब्जी की फसलों को उगाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। रिजर को उपयोग करने से पूर्व खेती की एक या दो बार जुताई की जाती है। अब हम देख रहे हैं VST शक्ति 130 DI पावर टिलर सिंचाई के अतिरिक्त पौधों में गोबर खाद तथा फर्टिलाइजर को डालने हेतु बेसिन बनाने में लगा हुआ है। इस प्रकार पावर टिलर रोटरी को रिवर्स चलाकर अनार, आम, चीकू और नारियल पेड़ों के चारों ओर बेसिन बनाया जाता है। वास्तव में केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के किसान टिलर के इस नवीनीकरण कार्य से अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं। कीटनाशक का छिड़काव समय अनुसार सभी प्रकार के पौधों तथा फसलों को बीमारी से दूर रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस कार्य की असफलता का परिणाम अधिक नुकसान विशेष रूप से नगद फसल तथा फलों में होता है, चाहे आम का बगीचा हो या कॉफी का पौधा रोपण। VST शक्ति 130 DI पावर टिलर किसी भी परिस्थिति में यह कार्य करने का सबसे उचित उपकरण है। अनार सामान्यतः कठोर मिट्टी में पैदा होता है और बीमारी से मुक्त फसल के लिए प्रारंभिक अवस्था से ही छिड़काव की आवश्यकता होती है। VST शक्ति 130 DI पावर टिलर छिड़काव कार्य हेतु देश भर में किसानों का एकमात्र चयन है। कॉफी बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है और ये बिना बताए पता चलता है कि पावर टिलर्स द्वारा इस प्रकार खेतों में भी छिड़काव कार्य प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आम के पेड़ों के लिए उचित देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि ये कई प्रकार के मौसमी बीमारी से प्रभावित होते हैं, इसलिए बार बार कीटनाशक का छिड़काव अति आवश्यक है। ऐसे में VST शक्ति 130 DI पावर टिलर का उपयोग मजदूरी के खर्च में कटौती करता है। सुपारी एक व्यापारिक फसल है और यह विदेशी राशि भी कमा रही है क्योंकि सुपारी का पेड़ बहुत ऊंचा बढ़ता है, कीटनाशक छिड़काव एक कठिन कार्य हो जाता है। केवल पावर टिलर ही इस प्रकार के ऊंचे पेड़ों पर अच्छे ढंग से छिड़काव करके कीटों के आक्रमण को रोक सकता है। यह जानने के बाद सुपारी उत्पादन करने वाले किसान अपने खेतों की जुताई तथा छिड़काव जैसे कार्यों को पूर्ण करने के लिए VST शक्ति 130 DI पावर टिलर को उपयोग में लाए हैं, जिसके फलस्वरूप अच्छी फसल प्राप्त कर रहे हैं। आधुनिक नर्सरियों को भी उचित कीटनाशक की जरूरत होती है और VST शक्ति 130 DI पावर टिलर इस कार्य में सबसे उत्तम विकल्प माना जाता है। VST शक्ति 130 DI पावर टिलर इंजन सिंचाई के लिए कुएं, झील तथा नदियों से पंप द्वारा पानी खींचने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। आमतौर पर पानी का प्रवाह बेहतर पाने के लिए 3x2 इंच वाले सेंट्रीफ्यूगल पंप की ही सलाह दी जाती है। जब आपातकालीन अवस्था में पानी खींचने की आवश्यकता होती है तब पावर टिलर का यह कार्य एक वरदान सिद्ध होता है। वी
जीएसटी शक्ति 130 डीआई पावर टिलर इंजन इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इससे सबमर्सिबल पंप द्वारा गहरे कुओं से पानी खींचा जा सकता है। थ्रेशर और क्रशर चला सकते हैं, बल्ब भी जला सकते हैं। पावर टिलर की मांग छोटे स्तर के यूनिट जैसे ईंट उद्योग, आटा चक्की आदि में उपयोगी सिद्ध होने के कारण बढ़ रही है।